मेथी पालक की यूनिक सी रेसिपी है। हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है और आज हम मेथी पालक बनाएंगे। तो चलो चलते हैं हार्वेस्ट करने मेथी और पालक हमारे किचन गार्डन में। तो चलते हैं, यहाँ पे आ गए। ये देखो हमारे मेथी लगे हुए हैं, तो मेथी को हम काट लेते हैं पहले, फिर काटेंगे पालक। यहाँ पे अच्छे खासे तो मेथी लग रहे हैं, लेकिन कुछ मेथी मर भी रहा है। पता नहीं क्या हो गया, कीड़े लग गए या बीमारी लग गई, पता ही नहीं लग रहा। तो इसी वजह से हमने सोचा मेथी को काट के पालक को काट के सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पालक भी काट लिया है और काट रहे हैं, मतलब। तो ये देख सकती हूँ पालक अच्छे खासे हो गए। पालक में कोई तो बीमारी नहीं लगी, बट हमारी मेथी में बीमारी लग गई। तो उससे पहले, मरने से पहले हम खा ही लेते हमारी मेथी को। तो हम चलते किचन की ओर। यहाँ पे आ गए हम किचन में। अब इसको नीचे डाल देते सारे मेथी और पालक को, क्योंकि इसमें एक आध घास भी होंगे तो घास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे घास निकाल रहे हैं और गमले में, भगोने में डाल रहे हैं, और इसे सारा घास निकाल के फिर धोएंगे हम, उसके बाद ही काटेंगे। तो यहाँ पे हमने धो लिया था, धोना शूट नहीं किया। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके ही काटेंगे, क्योंकि मेथी और पालक अभी बिल्कुल छोटे से है, ऐसे ही गल जाएगा ये। तो इस करके थोड़ा सा बड़ा ही काट रहे थे, ज़्यादा बारीक नहीं काट रहे थे। और इसके साथ हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्च को बस एक एक बीच में से चीरा लगाना है, और बाकी ज़्यादा चॉपिंग नहीं करनी है, ऐसे ही डालना है। लेकिन हाँ, लहसुन नहीं डालना है, क्योंकि लहसुन से मेथी की खुशबू जो होती है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हमने चूल्हा जला लिया है। अब चूल्हे के ऊपर डालेंगे कढ़ाई के ऊपर डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर प्याज, बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे, और इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए तब तक। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर नमक और हल्दी। तो नमक और हल्दी डालने के बाद 2 मिनट और फ्राई करेंगे। उसके बाद डालेंगे पालक मेथी। इसे थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि बीच में नीचे से जले ना। फिर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके सारा पालक और मेथी। फिर इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, डुलाएंगे, उलटाएंगे, पलटाएंगे, ताकि इसमें नमक मिर्च चारों तरफ लग जाए। वैसे भी लग जाएगा जब ये गल जाएगा तो। तो उसके बाद देखो ये पानी कितना छोड़ रहा है, और पानी ये और भी छोड़ेगा जब तक इसका पानी सूख ना जाए पूरी तरह, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। और हम यहाँ पे लहसुन लगाए, थोड़ा सा पानी भी दे रहे थे लहसुन के खेतों में। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सूख गया काफ़ी हद तक, और थोड़ा सा 2 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पे सूख गया। अब इतना भी नहीं सुखाना कि क्रंची फ्लेवर आ जाए, बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर होना चाहिए इसके अंदर, तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे हो चुका है, हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब प्लेट में निकाल के अब खाना खाएंगे। तो खाने में चावल के साथ खाएंगे, आप रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो ये है आलू पालक की रेसिपी, सॉरी आलू पालक नहीं, मेथी पालक। और ये है आलू चोखा, कद्दू चोखा और सैलड। तो इनसे अभी पहले मैं आलू मेथी पालक से ही खाऊंगी। पता नहीं मेरे मुंह में आलू पालक क्यों हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे मैं खा के बताती हूँ कैसा बना है। हाँ, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट।